देखिए महोदय जी, अगर आप दवा वाला हैं तो किसी अस्पताल में जाइए, ये पुलिस स्टेशन। ये मिस्टर दवा वाला शहर के जाने माने लॉयर दवा वाला है। ये मिस्टर दीपेंद्र गढ़ा और चंपक लाल गढ़ा का केस हैंडल कर रहे हैं। ये अचानक लॉयर कहाँ से आ गए? अरे ये कोई ऐसे वैसे लॉयर नहीं है, एडवोकेट दवा वाला बहुत बड़े लॉयर है, बहुत नाम है इनका, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के केस लेते हैं। अरे इनका रिकॉर्ड है, आज तक एक भी केस नहीं आ रहे। इनके बारे में हमारे तूफान एक्सप्रेस में अक्सर आर्टिकल छपते रहते हैं। दीपक लाल अगर इतने बड़े वकील हैं तो इनकी फीस तो लाखों में होगी, पर ये लोग चंपक चाचा और टप्पू के लिए आए हैं तो किसने दी होगी इतनी फीस इन्हें? तो मेहता साहब, किसी ने तो फीस दी है, तभी तो ये लोग यहाँ पे आए हैं। सही बात है। हेलो अंकल। हेलो दीपेंद्र, डोंट वरी अंकल, आपका केस मैं हैंडल कर रहा हूँ और बहुत जल्द आप इस केस से बाहर आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। लेकिन मैंने तो किसी वकील को नहीं बुलाया, मैं तो वकील किसने बुलाया? चाचा जी वकील के लिए तो दादा साहब आप आगे नहीं आएंगे, जो भी बोलना है वहीं से बोलेंगे। गो बैक। सॉरी सर, सॉरी, मैं यहीं से बोलूं। चाचा जी हम सब तो आपके साथ यहाँ पे, हम कैसे बुला सकते हैं, किसी ने नहीं बुलाया। ओ, मतलब आप जेठालाल की ओर से आए? जी हाँ। आपको जेठालाल ने भेजा? जी हाँ। कहाँ है मेरा जेठा? मेरा जेठा कहाँ है? देखिए अंकल वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे सिर्फ दो बातें करनी है। पहली ये, मेरे क्लाइंट के साथ में आप बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और दूसरी पूछताछ के लिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि चंपक लाल गढ़ा एक सीनियर सिटीजन है और बुजुर्ग आदमी है, और इनका जेठालाल के बिजनेस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए आपको जो भी कुछ पूछताछ करनी है वो मुझसे कीजिएगा। ओके। और इन दोनों के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और इनकी बैंक डिटेल स्टाइल में है। चंपक लाल गढ़ा के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए, और जेठालाल के सभी अकाउंट्स में इनकी भी साइन चलती है, और आपको अगर कभी भी इनकी जरूरत पड़े तो ये हर समय अवेलेबल है, और आप जो भी बात करेंगे मेरे थ्रू करेंगे। मेरा कार्ड। ओके। अगर आपको पुलिस की तरफ से कोई भी पूछताछ के लिए फोन आए तो आप मुझे फोन करेंगे, ये मेरा कार्ड। इंस्पेक्टर साहब को सारे पेपर दिखा दो। इंस्पेक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ हाँ एकदम क्लियर, सब क्लियर। ओके अंकल, ओके दीपेंद्र, अब आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, और अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे फोन कीजिएगा। चलो ठीक है। ये तो चला गया। ये मतलब वो आए, उन्होंने कहा आपकी मदद करने आए, मदद की और चले भी गए। चाचा जी अब जा सकते हैं। जेठालाल ने क्या दाव खेला है आपको बचाने के लिए, उसने शहर के सबसे बड़े वकील को अपॉइंट कर लिया। ओके, अब जा सकते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्या कह रहे हैं आप चाचा जी, चलिए। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मुझे छोड़ना मत, मुझे जेल में बंद कर दे। दादाजी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा जेठा वापस नहीं आ जाता मैं यही रहूंगा। पांडे बेटा मेरी बात समझो, तुम मुझे जेल में डाल दो, मेरे बेटे को पता चलेगा कि तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया है तो जहां पर भी होगा वहां से तुरंत भाग कर आ जाएगा। चाचा जी अब आपका बेटा इस देश में कभी नहीं आएगा,
आज के बाद जेठालाल परदेसी कहलाया जाए। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि परदेसी कभी लौट कर नहीं आता। नहीं नहीं, वो आएगा, मेरी बात सुनो, वो आएगा। चाचा जी, अब आप जाइए, जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आपको पूछताछ के लिए बुलाऊंगा। चलिए चाचा जी, चलिए चलिए, समझिए प्लीज, चलिए। हाँ। अरे मैंने बोला ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कैसे कानून व्यवस्था है हमारी? दोष कानून व्यवस्था का नहीं है चाचा जी, मानवता को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था है। कानून सबको अपनी फरियाद सुनाने का और अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका देता है। कानून गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले उसका प्रयत्न करता है, सबको समान हक मिले वो भी प्रयत्न करता है। इसलिए तो कानून की देवी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है ताकि भेदभाव ना हो। कुछ लोग कानून अंधा है ऐसा समझकर ये देश छोड़कर भाग जाते हैं, पर मुंबई पुलिस ऐसे गुनहगार को छोड़ती नहीं। पर हम जेठालाल को गिरफ्तार तो जरूर करेंगे। हाँ, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी सजा देना मेरे जेठिया को। 100 करोड़ खा गया है ना उन लोगों के, उसे 100 करोड़ दंडे मारना, 100 करोड़। चाचा जी प्लीज। हाँ चाचा जी, हम उसे 100 करोड़ दंडे जरूर मारेंगे, लेकिन आप प्लीज इस वक्त यहाँ से जाइए। चलिए चाचा जी, चलिए। और हाँ, एक मिनट गोकुलधाम वासियों, जरूरत पड़ने पर मैं आप लोगों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाऊंगा। आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, आएंगे हम लोग। पांडे जी, हम इतने सारे लोग हैं, आपकी वो बड़ी वाली गाड़ी मिल जाती तो। ओ, अच्छा चाचा पाटिल, हमारी वैन दूसरे केस में गई है ना? जी सर। तो कल आएगी? हाँ। अगर पुपड़लाल तुम्हें वैन में ही जाने का शौक है तो एक दिन हवालात में रुक जाओ, जब वैन आएगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं नहीं, एक बात बता दूं, वैन गुनहगार को पुलिस स्टेशन में लाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं है, समझा? नहीं नहीं पांडे जी, हम लोग अलग अलग रिक्शा करके चले जाएंगे। हाँ, रिक्शा से चले जाएंगे। चाचा जी तुसी फिकर ना करो, वाहिगुरु जी सब चंगा ही करेंगे। चाचा जी प्लीज संभालिए अपने आप को, हम सब आपके साथ हैं। चाचा जी अब ज्यादा मत सोचिए, चलिए घर चलिए। मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी में फोन करके सबको बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं, वहाँ परेशान हो रहे होंगे सब लोग। चलो चलो चलो, आइए आइए। जेठालाल, तुम 100 करोड़ का घपला करके बच नहीं सकते। मुंबई पुलिस तुम्हें पाताल में से भी ढूंढ निकालेगी। चाचा जी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बताइए ना चाचा जी। पुलिस को गलतफहमी हुई थी ना? चाचा जी कुछ तो बोलिए प्लीज। आपके जेठा भाई से बात हुई? तू तो कुछ बोल पड़ा। टप्पू प्लीज बोल ना, क्या हुआ? कोई तो बोलो। अरे आप लोग ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? आहो चाचा जी और टप्पू कुछ नहीं बोल रहे, आप तो बताइए क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? माधवी पापी जी, की बोलिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
मतलब जेठा भाई ने सच में 100 करोड़ का कफला किया है? हाँ माधवी हाँ। पुलिस के पास बहुत ठोस सबूत है। अरे फोटो देखी हमने उसकी। फोटो? कौन से फोटो? जेठालाल सेनोरिका आइलैंड में इस बात का प्रमाण है वो फोटो। हाँ पर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ जेठालाल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन उसने वकील भेज दिया इस वजह से चंपक चाचा और टप्पू छूट गए वरना पता नहीं क्या होता। जेठा भाई ने वकील भेजा? मतलब उनको अंदाजा है यहाँ क्या हो रहा है? तभी तो माधवी पूरी प्लानिंग करके यहाँ से चला गया है जेठालाल। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? समझ में क्या, मुझे तो अभी भी मानने में ही नहीं आ रहा है। टप्पू टप्पू ये क्या है? जेठा अंकल मेरा परम मित्र जेठालाल कैसे कर सकता है ऐसा? और जरूरत क्या थी ये सब करने की? अरे सब कुछ तो था उसके पास, क्या नहीं? ये हंसता खेलता हमारा गोकुलधाम का परिवार, चंपक चाचा जैसे पिता, दया भाभी जैसी जीवन संगिनी, टप्पू जैसा पुत्र, हमारे जैसे दोस्त, ये करके चला गया। समझ में नहीं आता क्यों किया उसने ऐसा। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। अरे तो क्या बोलूं मैं तो क्या बोलूं? मेरे जेठिया ने ऐसा किया, मेरे जेठिया ने। अब लोग कब से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन मैं लाचार खड़ा हूं, जवाब दूं तो क्या दूं? लेकिन अब सच का स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। है वो है, देखो आप सब लोग सुबह से जेठिया की वजह से परेशान हो रहे हैं, आप सब लोग घर जाओ, घर जाओ। टप्पू चल बेटा घर चल।
दादाजी घर तो सील हो गया, अब सिर्फ घर ही सील नहीं हुआ है टपुड़ा, हमारी सारी यादें, सारा समय, तेरा बचपन सब सील हो गया है। जेठिया ने तो हमें रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया टप्पू, कहीं का नहीं छोड़ा हमें, हमारे अपने घर का भी नहीं छोड़ा। दादाजी अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, सच का स्वीकार करने की बात कर रहा था मैं, पर भूल गया था कि जेठिया ने तो हमें रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, घर भी नहीं रहा हमारे पास, ना आसपास चार दीवार रही, ना ही ऊपर छत। कुछ नहीं बचा। चाचा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक बेटा जो पैसों के लिए है अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के कहीं चला गया हो, उस बेटे का बाप कैसी बातें करेगा दिल्ली मास्टर? क्या परफेक्ट प्लानिंग की है जेठालाल, शायद उसे पहले से सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वकील भेज के चंपक चाचा और टप्पू को छोड़ा लिया। हर चीज की प्लानिंग तो कर ली जेठालाल ने, लेकिन दो चीजों की प्लानिंग करना भूल गया, चंपक चाचा और टप्पू को पहुंचे दुख का, और हम गोकुलधाम निवासियों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसकी प्लानिंग नहीं कर पाया जेठालाल। चंपक चाचा भले ही कितने ही ठीक ठाक क्यों ना लग रहे हो, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं, और टूटे भी क्यों ना, जेठालाल ने काम ही ऐसा किया, घर सील हो गया चंपक चाचा का। कहां जाएंगे चंपक चाचा, कहां रहेंगे? भाई हम गोकुलधाम निवासियों के दरवाजे और घर तो उनके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन स्वाभिमान के शिखर पे बैठे चंपक चाचा क्या यहां रहने के लिए तैयार होंगे? क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो घड़ी है इसमें दुख भी है, संकट भी है, क्रोध भी है। अब इस वक्त मुझे जेठालाल पे बहुत गुस्सा भी आ रहा है और चंपक चाचा के लिए बहुत दुख भी हो रहा है। क्या होता है आगे तो पता चलेगा कल, लेकिन इस वक्त चंपक चाचा को संभालना बहुत जरूरी है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।